व्हाट्सअप ऑसम ऑडियंस, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ अपनी एम्पायर एसएमपी के अंदर एंड द एपिसोड इज 11। और तुम लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था यहाँ पे भाई मुझे नहीं पता, बहुत ही मिस्टीरियस चीज हो चुकी है एक, वो जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम यहाँ पे एक बहुत ही तगड़े वाला अर्थक्वेक आ गया था और हमारी भाई पूरी स्क्रीन शेक हो गई थी, मजाक से हटके बता रहा हूँ। और वो अभी तक नहीं पता चला है कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, और अभी भी बंद नहीं हुए हैं भाई, थोड़ी थोड़ी देर में आने लग रहे हैं भाई, आने ही लग रहे हैं, बता रहा हूँ ना मैं तुम लोगों को। बट आई होप कि अभी नहीं आए, प्लीज यार अभी ना आए, क्योंकि एक बहुत ही, तुम्हें पता ही होगा थंबनेल में एक बिल्ड करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, और एक बहुत ही खतरनाक चीज हो चुकी है अपनी एम्पायर एसएमपी में, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया कर देना लाइक, मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, अपने हिसाब से जो मन में आए कर दो लाइक, और जो भी चैनल पे नया फटाफट से सब्सक्राइब करो, धूम मचा लो, चिकन पका लो, लेट्स गो एडम सर शाउट आउट इस बात के लिए, क्योंकि ये ऐसे ही बात कर सकते हैं, इनसे काम की बात कभी कभार हो जाती है और कभी कभार नहीं। तो एक बहुत ही खतरनाक चीज हो चुकी है गाइस, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो आ रहा है तू भी है भाई, ये मेरे से पहले पहले जाएगा, ये देख रो भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ, ये जो चीज हुई है ना भाई बहुत खतरनाक हुई है। तुम्हें याद हो यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उसके बाद भाई हम नीचे चेक करने गए तो बताऊँ क्या हुआ, चलो दिखाता हूँ तुम लोगों को, अभी नीचे की तरफ ही जा रहे हैं हम। बाय द वे यहाँ पे डायमंड भी हमको बहुत सारे मिले थे गाइज, और अभी गज्जू भाई का और गौरव का कुछ भी नहीं पता है, गज्जू भाई तो यहीं आसपास गीड़ियां मार रहे होंगे अपने वर्ल्ड में, अपने एम्पायर में, और गौरव का भाई सच बताऊं तो मुझे अभी तक नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, बट जब वो आएगा बहुत ही खतरनाक सरप्राइज उसके लिए तैयार होगा, तुम बस देखते रह जाओगे भाई, इतना खतरनाक सरप्राइज है, ठीक है भाई, तुम बस देखते रह जाना, इतना खतरनाक सरप्राइज है उसके लिए अब, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही अच्छा घर बनाने वाला हूँ। बाय द वे ये है वो चीज भाई, ऑप्सीडियन देख रहे हो तुम, मैं इसको क्रैक भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्रैक मतलब समझ रहे हो, ऑप्सीडियन माना भाई ऑप्सीडियन नहीं टूट पाते, बट वो एक क्लिक कर पा रहा हूँ मैं सिंगल। और तुम क्या होगे अगर भाई तुम यहाँ से नहीं जा पा रहे हो तो यहाँ के ब्लॉक तोड़ के जाओ ना, लो टूट रहे हैं भाई, है भाई टूट रहे हैं भाई, ब्लॉक भी नहीं टूट रहे हैं, मजाक से हट के बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे तो पानी भी नहीं गिर पा रहा हूँ मैं, ये देख लो भाई, लेफ्ट क्लिक करने लग रहा हूँ पानी भी नहीं गिर रहा है यहाँ पे। और ये ब्लॉक मैं तुम्हें दिखा दूँ, ब्लॉक भी नहीं टूट रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, बताओ क्या करूँ, ये टॉर्च भी नहीं टूट रही है यहाँ तक की। अब पता नहीं अंडरग्राउंड में अपना क्या चल रहा है एम्पायर के नीचे, बट कुछ तो दिक्कत हो चुकी है गाइस, कोई एक बंदा ऐसा है जो हमको खुश नहीं देखना चाह रहा है एम्पायर एसएमपी में, और उसका मैं पता करके रहूँगा कि वो कौन है। और तुम्हें याद होगा कि लाइव स्ट्रीम में अपना हीरो ब्राइन का सीन हुआ था, मेरे को तो लग रहा है ये हीरो ब्राइन हो सकता है, बट तुम अपनी कमेंट में बताना कि ये हीरो ब्राइन ही है या फिर कोई और है, ओके गाइस, और कमेंट एक अच्छा सा कर देना। और चलो अब फटाफट से गौरव का घर बनाने चलते हैं और उसको एक अच्छा सा सरप्राइज देंगे बाय द वे। और ये जो घर होएगा ना गौरव का, एक नंबर को होने वाला है गाइस, मजाक से हट के बता दूं। चलो फटाफट से ऊपर चल, मिलता हूँ मैं तुम लोगों, लेट्स गो गाइस, आ चुके हम बाहर, और तुम देख सकते हो कि बाहर आ चुके हम। और एडम भाई आ जा, तू फटाफट आ जा, फटाफट से चलते हैं गाइस और गौरव का घर बनाना स्टार्ट करेंगे। बाय द वे तैर के मैं ऐसे क्यों जा रहा हूँ भाई, चल के मैं ऐसे तैर के भी तो जा सकता हूँ, रुको भाई क्या हो गया, कुछ दिख गया क्या तेरे को, हैं क्या हो गया ब्रो, हैं ब्रो कहाँ खेलूँ, कहाँ करूँ या कहाँ चलूँ, क्या कहना चाह रहा भाई तू। और ये डायमंड एक डायमंड दे दे भाई, बस एक दे दे, ये एक चाहिए मेरे को भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ, गौरव को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं एम्पायर में, पता नहीं यार वो कहाँ पे इस टाइम एम्पायर में, गज्जू भाई तो आसपास यहीं पे गेड़ियाँ मार रहे होंगे, बट गौरव का मुझे नहीं पता है गाइस, सही बताऊँ तो। आजा भाई तू आजा अब फटाफट से, जब भी वो आएगा भाई वो सरप्राइज होने वाला है, क्योंकि भाई मेरे मन में आई भाई कि हम तगड़े तगड़े बिल्ड कर रहे हैं, और अपना मैं भी अपना घर बनाने वाला था बाय द वे एम्पायर एसएमपी में अच्छा सा। और खैर एडम का घर तो गज्जू भाई ने बना दिया है, बट गौरव इतना अच्छा बिल्डर नहीं है, तुम समझ रहे हो ना, इतना अच्छा। एक मिनट रुको भाई, यार फटाफट भाग भाई दो हार्ट पे बचा है तुम्हारा भाई, दो हार्ट पे भाई, शील्ड भी नहीं है अपने पास, इसको एक मिनट पास आने दे भाई, इसको मारता हूँ क्या पता गाइस मेरे को ट्राइडेंट मिल जाए तो अपने लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी अगर ट्राइडेंट मिल गया तो। दो मिनट, ओ एडम तू कहाँ पे है एडम, हेलो तू इसको यहाँ पे खींच के ला भाई, यहाँ पे
मेरी इस तरफ खींच के ला इसको, इसको फिर देख मैं मारूंगा गाइस इसको, और देखते हैं ट्राइडेंटम को मिलता है या नहीं। ला रहा ना तू उसको खींच के, कहाँ पे है वो? हेलो, अरे ये रहा। ओए मिल सकता है हमको ट्राइडेंट, मिल सकता है भाई, मिल सकता है ट्राइडेंट, लेट्स गो। और ये क्या है, शेल मिल चुका है, और अगर मैं वो शेल ट्राइडेंट वाले को देके मार दूं तो ऐसा आई थिंक कुछ हो सकता है। कहाँ पे है वो ट्राइडेंट वाला? हेलो भाई, वो ट्राइडेंट वाला कहाँ पे गया? ज़ोंबी गाइज, अबे मैं सोचा उसने मारा बट नहीं, वो योरी था भाई। और ये ट्राइडेंट वाला गया तो गया कहाँ? एडम तूने मार दिया क्या उसको भाई? हेलो ट्राइडेंट वाले ज़ोंबी, सुन रहा है क्या तू? गाइस पता नहीं ये ट्राइडेंट वाला ज़ोंबी कहाँ गया यार। हेलो भाई ट्राइडेंट वाले ज़ोंबी, यार मिल जाए यार तू, अच्छा होगा अगर तू मिल गया तो। वही था क्या एडम ट्राइडेंट वाला जिसने, मैंने जिसको मार दिया है, वही था? अबे ये एक तो कुछ बोलता नहीं है, टाइप ही करेगा ये, धूम मचा लो चिकन पका लो, देख रहे हो भाई इसकी हरकतें। यार तू इसको अपने पास रख, आई थिंक गाइस मैंने सुना है अगर एक बार वो ये दे देता है और ये हम उस जोम्बी को देंगे ट्राइडेंट वाले को, तो शायद वो ट्राइडेंट गिरा दे अपना, ऐसा कुछ तो मैंने सुना है भाई, देखेंगे कितना सच है कितना नहीं। बाय द वे चलो अब फटाफट से चलते गौरव, गौरव भैया का तुम्हारे घर बनाना ना, उसका बहुत ही आलीशान घर बनाऊंगा बस देखो तुम। और अपनी एम्पायर एसएमपी को फुल टू फुल डेकोरेट एडम ने किया। मैं लास्ट एपिसोड में मैंने तुमको पूरी एसएमपी दिखा दी बट मैंने यूं नहीं बताई कि कैसे डेकोरेट किया था, क्या पता बताई हो, बट एक बार दोबारा बता रहा हूँ भाई, जो भी क्रेडिट जाता है ना एम्पायर का डेकोरेशन का, सारा एडम सर को जाता है भाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस, मैंने गज्जू भाई ने और एडम ने सामान कलेक्ट किया है ये सारा डेकोरेशन का। उसका हैप्पी बर्थडे था, हाँ गाइज बहुत ही, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक्चुअली में गौरव भैया है ना जो तुम्हारा, उसका हैप्पी बर्थडे था अभी कुछ दिन पहले, तो उसको मैं तब तो गिफ्ट नहीं दे पाया एम्पायर में, लेकिन अब गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम समझ रहे हो, अब गिफ्ट दे रहा हूँ उसको, एक आलीशान घर उसका बना के। और एडम आ जाए तुम, बाय द वे यहाँ पे घर बनाने वाले हैं हम उसका, ये देखो तुम यहाँ पे बनेगा उसका वो आलीशान घर, और जितना भी सामान है वो मैं ला चुका हूँ, एडम और मैं और गज्जू भाई मिलके ला चुके हैं। और पता नहीं यार गज्जू भाई यहीं इसी तरफ में गए थे इस डायरेक्शन में, और उसके बाद से उनका था पता नहीं है भाई, अभी तक आए नहीं है वो, इस डायरेक्शन में गए थे, याद है ना तुम्हें इस डायरेक्शन में क्या क्या होता है हमारे साथ, तो अभी तक तो नहीं आए हैं वो, बट क्या पता आ जाए। और ये सारा सामान लिए लेके आ चुके हम लोग बाय द वे। और चलो अभी एक काम करते हैं गाइस, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लूँ इस घर का और अभी फिर उसको बनाना स्टार्ट करेंगे, सो लेट्स गो। तो चलो गाइस बाय द वे मैं देख चुका हूँ कि उस घर को कैसे बनाना है, अब फटाफट से बनाते हैं तो चलो। और भाई पहले मेरे को एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि थोड़ा ऐसे ना लगे कि बिचा बिचा एहसास घर, समझ रहे हो ना तुम, बिल्कुल ऐसा लगे कि मेंटेन में है। और तो मैं सोच रहा हूँ कि उस घर को बनाना हम स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे, जस्ट यहाँ से करते काम करते स्टार्ट, 1 2 3। और मैं सोच रहा हूँ, 1 मिनट दो भाई मेरे को, 1 मिनट, 1 मिनट देना बस, 1 मिनट दो, क्यों ना हम अगर 9 का भाई खींचना ही है तो 9 का यहाँ से भी तो कर सकते हैं, क्योंकि और भी जगह बच रही है, थोड़ा खुला लगेगा तो अच्छा लगेगा ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ भाई ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है ऐसे। और मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा और इसको कर देते हैं अंडर में, समझ रहे हो तुम मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा अगर पीछे की तरफ होगा घर तो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, तो यहाँ से 9 करना है गाइज, और अब यहाँ से करना है 7, तो करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से 7 करने के बाद गाइज यहाँ से मेरे को करना होगा 3, 1 2 3, और यहाँ से 3 करने के बाद मेरे को करना होगा 6, तो करते हैं 1 2 3, 1 2 3 6। और अब 6 करने के बाद यहाँ पे दोबारा से 3 करता हूँ मैं 1 2 3, और यहाँ पे 3 करने के बाद गाइज यहाँ पे मेरे को दोबारा से, एक मिनट, कुछ गलती हुई है गाइज, कुछ तो गलती हुई है, मैंने कुछ गलती की है, यहाँ पे पक्का 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ भाई 7 ही तो है फुल टू फुल, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है, तो दिक्कत क्या हो रही है भाई, एक एक्स्ट्रा कैसे हो गए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, ओके तो कुछ तो दिक्कत करी है मैंने। यहाँ से भाई 9 मतलब करना कैसे था, 9 मेरे को किस साइड पे करना था, कुछ दिक्कत कर दिया मैंने,
चलो उसको ठीक करेंगे, कोई बात नहीं, कोई 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 मतलब समझ रहा हूँ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक करता हूँ, दो मिनट दो मेरे को। और यार एक मिनट यार, एक तो मैं कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ वो सही से हो नहीं रहा है, अब हो गया, चलो लेट्स गो। एक काम करते हैं, पहले यहाँ से ही कर देता हूँ, यहाँ पे तीन हो चुका है, फिर यहाँ से सात कर देते गाइस, ओके। और यहाँ पे से आई थिंक इसको हमको साथ में लगाना भाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करना है, और 7 से 9 माह तक इसको 1 लेके चलना है हमको, आई थिंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आई थिंक गाइज ऐसे ही करना, और यहाँ से 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेरे हिसाब से तो गाइज ऐसे ही होने वाला है यहाँ पे। चलो एक काम करते गाइज, मैं पूरा का पूरा इस घर का स्ट्रक्चर बना के तुम लोगों से 2 मिनट में मिलता हूँ, बस तुम 2 मिनट, तुम्हारे लिए तो चुटकियों में हो जाएगा, बट मेरे लिए अभी ये आधे घंटे का काम है। तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चलो लेट्स गो। तो चलो गाइज फाइनली अपना ये जो घर का स्ट्रक्चर है कम्प्लीट हो चुका है, तो तुम देख सकते हो कि घर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। अगर तुम बनाना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो, एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन शॉट। और चलो अब फटाफट से बनाना शुरू करते हैं इसको। अब बताऊँ क्या करना है गाइज, मेरी वो वुड तो ख़त्म होगी जो सारी इसी में लग गई, और अब लेते हैं इनको, लेते हैं और इसको लेते हैं, और एक काम करते हैं इन सब के प्लैंक्स बना लेते हैं, क्योंकि अब प्लैंक्स का भी काम है गाइज, और कुछ ज़्यादा ही प्लैंक्स बना दी मैंने बाय द वे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। और स्प्रूस का ले लेते हैं, और अब बताऊँ क्या करना है तुम्हें, मैं बताता हूँ अपना, पहले यहाँ पे इसको ऐसे करना है, फिर एक एक ब्लॉक अब ऐसे करना है इनको, समझ रहे हो तुम। अब रुको यार, एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा गलत कर देता हूँ मैं कभी कभार काम। ये देखो धूम मचा लो चिकन, भाई इसका यही चलेगा पूरी वीडियो में, धूम मचा लो चिकन पका लो, बस ये देखो यही तो काम है, बस और कुछ काम है ही नहीं, धूम मचा लो चिकन पका लो और इसको खिला लो, यही काम है बस, और कुछ नहीं है गाइस। उसके बाद तुम्हें ऐसे नहीं कर देना मेरी तरह, ऐसे बीच बीच में गलती मत करना, ऐसे करना उसके बाद कुछ इस टाइप से। और हाँ इनको भी छीन लिए, इनकी खा ले, कभी तुम सोच रहे हो कि अब खा लेनी छीन ले, इनकी भी खाल तारनी है भाई, बिल्कुल इस प्रकार, जैसे कि अब मैं ये कर दिया मैंने, बिल्कुल इस प्रकार से तुम्हें भी कर देना होगा, ठीक है। जब तुम अगर इस घर को तुम बना रहे हो तो, अगर नहीं बना रहे हो तो जैसी तुम्हारी मर्जी, अभी मैंने तो कही थी भाई अगर तुम्हारा मन करे तो बना लेना, नहीं तो मत बनाना, मन नहीं करे तो। बाय द वे एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, और एक ऐसे कर देते हैं, और फटाफट से इनको फिर ऐसे भी फिल कर देते हैं, समझ रहे हो तुम, ऐसे नहीं मतलब तोड़ो भाई इनको। हाँ एडम भी अपना सही लगा हुआ है गाइस। उसके बाद ऐसे करना है तुम्हें, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे कर दो बस इज्जत से। और एडम जैसा अगर तुम्हारे पास अगर कोई हो, मुझे नहीं लगता एडम जैसा तुम्हारे पास होगा, कोई और ही होगा, एडम जैसा पूरी दुनिया में सिर्फ यही बनता है, कोई और हो भी नहीं सकता है। और चलो अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, और इसको यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे नहीं करना भाई, मैं गलत क्यों कर रहा हूँ इस बार बार। और ये लो अब इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, पार्क और करता करता करूँगा, और बताओ ऐसे करेंगे हम, और बताओ भाई ये हुई ना बात। अब इसको ऐसे कर देते हैं, अबे एक मिनट ये क्या कर दिया, अबे एक मिनट रुक जा भाई तू, इसको थोड़ा ऐसे करना है, अब कर दे, लेट्स गो भाई, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे कर देना है। उसके बाद गाइस जा एडम फटाफट से दिन करके आ तू, ये मैं देख लूँगा बाय द वे। और उसके बाद गाइस इनको कुछ ऐसे कर देना है, एडम भैया फटाफट दिन करके आ जा, नहीं तो कोई क्रीपर आ गया ना तो दिमाग खराब कर देगा हमारा, समझ रहा है तू। और फिर उसको ऐसे बस खाल छीलनी है गाइस इनकी, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद इन सबको बताऊँ किससे फिल करना है तुमको, मैं अभी बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, कर दिया भाई दिन, फटाफट से दिन कर दे। हाँ उसके बाद तुम्हें ये जो प्लैंक्स बनाई थी ना स्प्रूस की, मतलब ओक प्लैंक्स, इनसे फिल करनी है अब, समझ रहे हो तुम। अब इस पूरे एरिया को ओक प्लैंक्स से फिल कर दो तुम, लाइक दिस, ये घर की नींव हो गई, तुम समझ रहे हो, नींव, नींव छत को बोलते हैं ना, नींव नहीं है स्ट्रक्चर ही है अभी तक, मतलब जिसके ऊपर घर अपना बनना स्टार्ट होएगा वो स्ट्रक्चर, समझ रहे हो तुम। उसके बाद ऐसे ओक प्लैंक्स से इनको कवर कर दो गाइस, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और ये घर में मजाक सट के बता रहा हूँ, गौरव का ये बहुत बड़ा घर है अब तक का, नहीं अब तक का बिल्ड बड़ा नहीं है बट घर तो बड़ा ही है,
सबसे बड़ा घर गोरव का ही होएगा और काफी ब्यूटीफुल घर भी होएगा, और इसको भी इसी इसी से भरना, कभी पता चले तुम स्प्रूस से भर रहे हो ठीक है, और तोड़ दियो भाई इसको, ये जो एक्स्ट्रा लगी है मेरे से। लेट्स गो गाइस, इसको ऐसे भर देना होगा। चलो गाइस, अब इतना करने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि करना क्या है। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, अब मैं समझ चुका हूँ क्या करना है। फटाफट से चलते हैं यहाँ पे और थोड़ी सी वुड ले लेते हैं, वुड की कमी पड़ गई है। स्प्रूस की, स्प्रूस की अभी अपने पास है, ओक ओक की लेनी होगी मेरे को भाई। हेलो ब्रो एडम, एडम भाई फटाफट से थोड़ी सी ओक की लोक तू कर ला अगर हो सके तो, नहीं आई थिंक सो हो जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 4 4 की खींचनी है, 1 2 3 4 ठीक है, 4 4 की हाइट खींचनी है, जस्ट 1 2 3 4। उसके बाद मेरी वाटर बकेट दो एक बार, क्योंकि काफ़ी डैमेज मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। ऐसे करके, ऐसे एमएलजी करते हुए 1 2 3 4 गाइस, फिर ऐसे 4 4 की ब्लॉक तुम्हें भी खींचनी पड़ेगी और खींच देना 4। और बाय द वे मुझे कमेंट में बताओ कि आगे मेरे को क्या करना चाहिए, समझ रहे हो ना तुम लोग। मैं तो मिस्ट्री सॉल्व करूंगा भाई एम्पायर में, अपना देखेंगे कि अब ये वो हो रहा है तो क्यों हो रहा है ऐसा, समझ रहे हो तुम लोग। उसके बाद इतना आई थिंक इतना ही करना था अभी, यहाँ पे तो इतना ही था। अब यहाँ पे 4 4 की खींचनी है, अभी खींच देंगे 1 2 3 4। उसके बाद ये करी मैंने एमएलजी और 1 2 3 4। उसके बाद फिर ये करी मैंने एमएलजी और 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलो इसके बाद ये करी एमएलजी तुम्हारे भाई ने, भाई मैं सोच रहा था डैमेज होएगा बट नहीं हुआ, समझ रहे हो तुम लोग। ये कर दिए एमएलजी और 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, लेट्स गो गाइज। यहाँ पे 4 4 की फोर की खिंच गई ना, हाँ 4 की खिंच गई, लेट्स गो गाइस 4 की खिंच चुकी है। उसके बाद एक मिनट रुको, स्प्रूस पे तो मैं खींचना ही भूल गया, स्प्रूस पे भी तो 4 4 की खींचनी थी, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 4 की स्प्रूस पे भी खींचनी है ठीक है गाइस, ऐसे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। यहाँ पे भी 4 4 की खींच दो, लेट्स गो। बाय द वे तुम बताओ तुम में से कौन अभी BGMI खेल रहा है, करूँगा उसकी भी लाइव। 1 2 3 4 4 की है ना, हाँ भाई 4 की है भाई, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब क्या करना है, खाल उतार दो बस, इनकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबकी खाल उतारनी है। एडम ब्रो तू भी उतार दे, खाल उतार दे भाई इनकी, बहुत बदतमीज है ना ये वुड, ऐसे करके इनकी खाल उतारनी है बस हमको। लेट्स, कौन सी वुड लानी है, ओक की ला भाई ओक की, समझ रहे हो ओक की लानी है सर आपको। लेट्स गो गाइज, अभी ये उतार दी मैंने खाल, और मैं तो भूल ही गया था कि एडम को मैंने वुड लेने भेजा हुआ है, और मैं कह रहा भाई थोड़ी सी ये खाल उतार दे, तू वुड उतार दे अभी फिलहाल तो। लेट्स गो गाइज, ऐसे ही तुम खाल उतार देना, एक को भी मत छोड़ना ठीक है, सबकी खाल उतारनी है। उसके बाद जस्ट लाइक दैट ऐसे इनको ऐसे फील कर देना है, और ऐसे कर देना होगा तुमको लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे भी इसको ऐसे ही करना होगा ठीक है, बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, पता चले तुम किसी और तरीके से कर दो, ऐसे ही करना ठीक है जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, और फिर ऐसे लेट्स गो गाइस, ऐसे फील करना होता है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। और फिर ये थोड़ी सी वुड ये जो बची है ना, इसको यहाँ पे यूज़ कर देंगे, लेट्स गो, फुल टू फुल काम बन गया अपना ऐसे। अच्छा ये रह गया क्या थोड़ा सा, लो हो गया कम्प्लीट, लेट्स गो गाइस। ऐसे करके कुछ तुम्हें ऐसे कवर करना होगा, और मेरे को थोड़ी सी और वुड चाहिए होगी फिलहाल गाइस। ऐसे ही करके ना तुमको चारों तरफ कवर करना होगा, चलो अब ये पूरा का पूरा कवर करके मैं तुमसे 2 मिनट में मिलता हूँ, तुम्हारे लिए तो 2 सेकंड है, सो लेट्स गो। लेट्स गो गाइस, जैसे कि तुम देख सकते हो तुम्हारे भाई ने घर को बना दिया है, अभी पूरा नहीं बना है बाय द वे, कभी तुम सोचो मैंने क्या ये बना दिया तो पूरा बन गया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ ताकि अगर तुम बना रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हारे समझ में आ जाए। मैंने थोड़ा सा ये देखो, पहले तो ऐसे क्राफ्ट ट्रैपडोर वगैरह ये सब किए हैं, और फिर ऐसे अंदर जाओगे तुम लोग तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ऐसे ग्लासिंग व्लासिंग किया मैंने, और ये देखो तुम लोग ऐसे करके, मतलब समझ रहे हो तुम, ऐसे वैसे करके किया है मैंने कुछ। अब बाहर से मैं तुम्हें दिखा दूँ तो ये मैंने स्टेयर का यूज़ किया है यहाँ पे, और पीछे की साइड में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे भी किया है, और यहाँ पे मैंने पूरा कवर किया है ओक से, और यहाँ पे स्टेयर्स का यूज़ किया और यहाँ पे ओक का ठीक है। और बस अभी तो मैंने इतना ही बनाया गाइस। चलो अब है मैं अपनी स्वॉर्ड कहाँ पे फेंक रहा हूँ, स्वॉर्ड हाथ में होनी चाहिए, ये हुई ना बात, ताकि कोई आए तो काट दूँ उसको यूँ।
चलो गाइज अभी 2 मिनट मेरे को और दो, अभी इतना तो मैंने बना दिया, अब आगे तुम्हें बताऊंगा कि अब क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो गाइज मैं समझ चुका हूँ कि अब आगे क्या करना है, अब तुम्हें मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि आगे करना क्या है। पहले तो मैं देखो ये वुड ले लेता हूँ, 2 मिनट दो मेरे को जरा। ये एक स्टैग वुड ले लेते हैं इसकी, और स्प्रूस की भी ले लेते हैं एक स्टैग, लेट्स गो, क्योंकि अब काम ही इनका होने वाला है भाई। चलो अब दिखाते तुम लोगों को कि असली काम क्या करना है। अब यहाँ से बस ज्यादा कुछ नहीं करना, इनको ऐसे फुल टू फिराग, हाँ फुल टू फिराग क्या बोल रहा हूँ, मतलब इनको ऐसे फुल टू फुल कवर करना है, तुम समझ रहे हो? अब ज्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे करके पूरे को ऐसे कवर कर देना होगा गाइज। और उसके बाद खाल तारनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, खाल नहीं तारते हो तो कोई सुधरता नहीं है जल्दी, तो खाल तार देनी होगी इस वुड की। और एक चीज मैं तुम्हें बताऊं जो कि बहुत अच्छी है हमारे लिए, कि अभी तक एक भी भूकंप नहीं आया, तुम्हें पता है? और जब से मैंने बिल्ड करने लग रहा हूँ एक भी भूकंप अभी तक आया नहीं है। बट यार वो तो दिक्कत हो जाएगी अगर हम ऐसे अंडरग्राउंड नहीं जा पाए ना अपने एम्पायर एसएमपी में, यार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात होने वाली है। और कोई ना कोई तो है भाई, ये मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी। और एडम बता कैसा शुरू भी कर दिया भाई इसने डेकोरेटिंग, मैं क्या बताऊं, बस उत्साही बहुत है ये। और मान लो इधर ये ड्राइंग किस चीज की है भाई, ये देख लो फुल टू फिराग में गौरव का, कौन है भाई ये गौरव के रिलेटिव में तो नहीं है ना कोई? भाई गौरव बुरा मान जाएगा अगर ऐसा कहेंगे तो, मैं मजाक कर रहा हूँ बाय द वे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये थोड़ी बहुत शकल इसकी गौरव से मिल रही है, ज्यादा नहीं मिल रही, थोड़ी बहुत मिल रही है। ये देखो अपना गौरव भी ऐसा ही है अंदर से खोखला एकदम। और ये देखो ब्लैक बेल्ट है गौरव अपना, और यहाँ पे इसको इसको भी ढक देते हैं जस्ट लाइक दैट, ऐसे करके। वो लामा आ गए भाई, एडम लामाओं को रख सकता है कि या छोड़ यार हमारे पास लामा है, लामाओं की कमी नहीं है, अंधा हो चुके हैं गाइस हम लामा में, अंधा हो चुके हैं, मजाक कर रहा हूँ, लामाओं की थोड़ी बहुत कमी है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ओ भाई तू ऐसे रह। चलो गाइस थोड़ी सी वुड रह गई थी, उनमें से ले लेते हैं ये री भाई, ओकी वुड जितनी भी है सारी यहाँ से लेके, और ये लो कमी पूरी कर देंगे। और ये लो भाई बस तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट ऐसे करना होगा तुम्हें, ज्यादा कुछ नहीं करना, मेरी तरह ऐसे गलतियां मत करते रहना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है। और तुम क्या होगे भाई, ये बार बार गलतियां कैसी हो रही है, और तुम भैया पतंग उड़ा रहा है लांबा लांबा अभी अभी, अच्छा पतंग उड़ा रहा है, ये देखो भाई पतंग उड़ा रहा है लामाओं की पतंग, ये देखो अलग ही चलता है भाई आजकल ट्रेडरों का भी, लामाओं की पतंग उड़ा रहे। वैसे भी एडम से ऐसी बात करवा लो, बहुत ही अच्छी तरह करेगा वो। बाय द वे गाइस अभी तो तुम्हें इतना करना होगा, ठीक है? जितना मैंने कर दिया इसको पूरा ऐसे ढकना होगा, तुम्हें ऊपर जाके दिखा देता हूँ एक मिनट के लिए, ऐसे तुम ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से तुम्हें ये ऐसे ढकना होगा, ठीक है? और चलो अब नीचे चलते हैं। चलो गाइस इतना मैंने बना दिया है, अब आगे तुम्हें बताता हूँ कि कैसे बनाना है। चलो करके मिलता हूँ, सारा 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 का सारा घर नहीं, अभी आगे बना देता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे हम। और बाय द वे मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया वो, जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें बताया था। तो लेट्स गो, लेट्स गेट, तुम्हारे लिए तो 2 सेकंड है भाई, अभी देखो चुटकी बजाते ही तो 1 2 3। चलो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने घर को 50% बना दिया है, बिल्कुल भाई मजाक से हट के बता रहा हूँ, इन उंगलियों में जितना दर्द हुआ है ना भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मेरी इन उंगलियों में, क्योंकि AFK ब्लॉकिंग करनी पड़ी। आधा काम तो वाटर बकेट से ही हो गया था, बट थोड़े बहुत AFK ऐसे ब्लॉक लगाने पड़े तो मेरी उंगलियों में दर्द हो गया था। और वो उस भाई ये सीन मैं दिखाता नहीं हूँ, और ये सस्ती सस्ती एक्स क्यों दे रहा भाई, आयरन की बनाना फाम है अपने पास, ये लग क्यों नहीं रही इसको फा। हेलो अभी एक मिनट, एक शॉट तो मारूंगा, अबे लग क्यों नहीं, हाँ यही ना बात भाई, फार्म आयरन का अपने पास और ये बंदा स्टोन की पकड़ा रहा है। चलो गाइस तुम्हारे भाई ने 50% काम कर दिया है घर का, तुम्हें दिखा देता हूँ अंदर से, तो ये देख लो भाई, कोई क्रीपर व्रीपर में धप्पा मत कर देना प्लीज यार, बहुत मेहनत से बनाया है। तो गाइस ये अभी इतना बन चुका है, ठीक है? उसके बाद तुम्हें मैं ऊपर से दिखाता हूँ, अभी इसका ऊपर जाने का रास्ता नहीं बना पर बहुत जल्दी बना दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। ये देखो ये ऊपर से अभी, अबे चलना भाई क्या हो गया, चलो भाई चलो, अबे तू भी आ रहा है क्या यार, एक के लामा, अरे लामा क्यों आ गया मेरे साथ भाई, एडम इसको नीचे बांध भाई। तो गाइस ऊपर से ये कुछ ऐसा पाया था, तुम ये चेक करो पहले, बालकोनी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो तुम बताओ कमेंट्स में कैसा लग रहा गौरव का ये आलीशान घर, विला ही कह दो इसको एक तरीके से, हाँ बट ये विला है नहीं। तो अंदर से ये कुछ ऐसा मैंने 8-8 ब्लॉक का एक्सटेंड किया, फिर इसको ऐसे ही कवर किया, यहाँ पे स्टेयर लगी हुई है बाहर से,
यहाँ पे भी स्टेयर लगी हुई है और ग्लासेस कुछ ऐसे तुम देख सकते हो। अब बाय द वे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे इनको भरते चले जाना है, ज्यादा भी जल्दी नहीं करनी है नहीं तो दिक्कत हो सकती है गाइस। इजी पीजी अपना ये देखो, जैसे कि अभी दोबारा हो गई है गाइस, तो अपना इसको अब ऐसे भरना है गाइस, ठीक है, फुल टू फुल फिल करना बस इसको, ज्यादा कुछ नहीं करना इसको, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे करना बस, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना भाई। ऐसे कर दोगे तुम्हारा काम बस इतना ही है, दैट सॉल्व। अभी घर बनानी है बाय द वे, थोड़ा इसको पूरा फिल करना पड़ेगा ऐसे करके। एडम ये ले कर बेटे फिल, नहीं तू रहने दे भाई, ये बंदा ब्लॉक अलग अलग तरीके भाई वापस दे मेरे ब्लॉक, तू मत कर, तू मत करियो, क्योंकि थोड़े से अलग तरीके से लग गए ना तेरे से ब्लॉक तो दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है, समझ रहा ना तू, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू मत कर भाई इनको, और खाल भी तारनी है गाइस इनकी, जा तू भाई फटाफट दिन कर क्या भाई फटाफट, नहीं तो क्रीपर क्रीपर आ गया ना आप स्पॉन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत खतरनाक वाली। और वुड भी खत्म हो गई है, कोई नहीं चेस्ट में पड़ी है, अभी लेके आता हूँ। स्प्रूस तो अपने पास बहुत सारा पड़ा हुआ है क्योंकि काफी बिल्ड में यूज हुआ था, तो एडम और मैं काफी सारा ले आए थे, तो अभी भी काफी सारा पड़ा हुआ है चेस्टों में, हमारी चेस्ट रूम में। बाय द वे ये भी हो ही गया गाइस, और गौरव का ये घर जो मॉडिफाई होएगा ना जब, एक नंबर का होएगा, बस तुम देखते रह जाओगे, बस मजाक सेट के बता रहा हूँ। थोड़ी सी वुड लेके आया मैं, ऐसे गया और अभी आया, ये देखो ऐसे चलेंगे भाई, कोई फायदा नहीं हुआ भाई, मजाक सेट के बता रहा हूँ। मेरा वाटर बकेट दो भाई फटाफट इज्जत से, और ये रही भाई वुड, ये लो तुम्हारे भाई ने ले लिए, दो स्टैग ले लिया, क्या कमी लगनी अब तो हो ही गया है बाय द वे। बह पानी कहाँ है मेरा, हेलो भाई नेट कम चल रहा है क्या, चेस्ट ओपन हो रही है, चेस्ट तो ओके आ चुका है, पानी थोड़ा बहुत क्लीच हो जाता है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे चलते हैं फटाफट से और कवर करते हैं अपने उस एरिए को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर अपना घर भी अपना तैयार हो जाएगा बाय द वे। ये देखो इतना तो तुम्हारे भाई ने कवर कर ही दिया है भाई, ये कहाँ से टपक गया हाँ भाई, तू कहाँ से टपक गया एडम भाई। भाई प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस घर को बनाने में, तुम सोच भी नहीं सकते हो, मेरी उंगलियाँ फुल टू फुल दर्द हो चुका है इन उंगलियों में, समझ रहे हो तुम, बहुत दर्द हो रहा भाई इन उंगलियों में, मजाक सट के बता रहा हूँ। और फिर इनकी खाल तुम्हें ज़्यादा नहीं करना, ओए खाल तार इनकी, चल ये ले स्टोन की दे रहा हूँ तेरे को, खाल तार भाई इनकी फटाफट से, लेट्स गो गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिर ऐसे करना है। और एक नंबर का प्रॉपर हाउस आई थिंक रेडी हो चुका है, या थोड़ा सा और रह रहा गाइस, छत पे पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा था, अरे हाँ भाई आजकल के ट्रेडर पागल हो चुके हैं, छत पे ही पतंग उड़ाते हैं भाई, पता नहीं क्यों ये छत पे पतंग क्यों उड़ा रहे, बालकनी में क्यों नहीं उड़ाते हैं भाई, इनको कहनी पड़ेगी भाई छत पे इनका उड़ाना बैन करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना गाइस तुम। इसके बाद बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें भी इनकी खाल ऐसी तारनी है जैसे हम तार रहे दोनों मिलके। और गौर अब अभी तक पता नहीं आया क्यों नहीं है, गेड़िया पता नहीं कहाँ मारने चला गया भाई, वो फूल तो नहीं गया वो एडम भाई, मेरी तो ये टूट गई एक्स, पर मेरे को पता है गेड़िया ही मार रहा होगा वो, जैसे तुम्हें पता है विलेज वगैरह उसी ने ढूंढा था गेड़िया मार मार के, और अभी भी गेड़िया ही मार रहा होगा गज्जू भाई के साथ। बाय द वे यहाँ पे चलते हैं, और अभी ये देखो भाई पूरी की पूरी खाल तर चुकी है यहाँ पे फुल टू फुल तुम देख सकते हो। और बाय द वे अभी यहाँ पे चलते हैं, नीचे चलेंगे, लेट्स गो, तगड़ी एम एल जी हुई है भाई। एक मिनट भाई, थोड़ी सी अपना ये थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। हेलो एडम भाई, हेलो नीचे आ भाई फटाफटा, एक काम पूछूंगा तेरे से, अगर वो नहीं हुआ होगा तो सुन भाई, अब ध्यान से सुनियो, वो जहाँ पे अपने जानवर कैद है उनको खाना मिला है इतने दिनों से, मिला है फिर ठीक है भाई, जा थोड़ा और खिला है इसी बात पे। चलो गाइस इतना मैं कर चुका हूँ काम अपने घर पे, और चलो इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके मैं मिलता हूँ, थैंक यू फॉर ब्रेड गाइज, मतलब एडम ब्रो थैंक यू फॉर ब्रेड। चलो गाइज अभी इस घर को थोड़ा और बना के तुम लोगों से चुटकियों मिलता हूँ, सो लेट्स गो। सो लेट्स गो गाइज, जैसा कि तुम अभी देख ही रहे होगे कि मैंने ये पूरा घर बना दिया है 70%, अब है बात डेकोरेशंस की, जो कि मैं अब तुम्हारे सामने करने वाला हूँ। तो तुम ऐसा मत सोचना कि मैं टेक्निकल गुरु बन चुका हूँ, थोड़ी सी आवाज मैच कर रहा था उससे, अपनी रियल आवाज में आ चुका हूँ मैं,
तो घर मैंने बना दिया गाइस बाय द वे। अब चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि डेकोरेशंस का कैसे, बाय द वे तुम यहाँ पे देख सकते हो वन वन का गैप छोड़ के यहाँ पे मैंने लीव्स पे ही कवर किया हुआ इनको, ठीक है। अभी मैं करने ही लग रहा था तो चलो करते हैं, जस्ट लाइक ऐसे करनी हो तुम्हें, उसके बाद ऐसे करके ऐसे करनी हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे करनी है भाई। अंगूठों में मेरे दर्द हो चुका है बिल्कुल, मजाक सट के बता रहा हूँ, अंधा दर्द हो चुका है अंगूठों में बिल्कुल मजाक सट के भाई। प्लीज यार एक लाइक दबा देना तुम, बहुत ही टाइम लग गया इसको बनाने में भाई, मजाक सट के बता रहा हूँ। और ये गौरव अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ गेड़िया मार रहा होगा ये भाई। एडम तू एक काम कर, थोड़ा आसपास घूम के आ, इतने गौरव को देख कहीं मिले तो। और कमान है भाई, और क्या बोल रहा है तू भाई, मेरे समझ में नहीं आए भाई, पता नहीं इसने क्या बोली, मेरे तो समझ में नहीं आई। एक मिनट भाई एक मिनट, कॉर्नर का एक बारी मेरे को देख के आने दो, ये मैंने कवर नहीं किया भाई, पर वन वन का तो सही गैप चल रहा था। ओके अब इसको यहाँ से कवर कर दूंगा, फिर यहाँ से कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, फिर यहाँ से कर देंगे इसको, और उसके बाद यहाँ से फिर मैं हो ना भाई, ये देखो तुम भी ऐसे कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा लगा भाई, मॉडिफिकेशन हो तो ऐसी हो वरना ना हो, समझ रहे हो तुम भाई। एक मिनट सही तो किया ना ये मैंने, अरे एक मिनट यार थोड़ी सी दिक्कत कर दी क्या है भाई, मैडम क्या लग रहा है दिक्कत होगी थोड़ी सी है ना, नहीं हुई दिक्कत, हुई या नहीं हुई, नहीं हुई भाई, हुई या नहीं हुई बता दे भाई। यार एक मिनट रुको गाइस, सारे तोड़ देता हूँ एक बार मैं, नहीं हुई, एक मिनट रुक जा तू, फिर भी एक मिनट रुक जा ठीक है भाई। एक काम कर तू, ये सारे तोड़ दे अपना, क्या बोलते गाइस, आई थिंक मैंने कुछ दिक्कत की है यहाँ पे, कॉर्नर टू कॉर्नर आई थिंक, या एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुको गाइस, शायद दिक्कत कुछ भी नहीं हुई है, ये मेरा बहम है कि दिक्कत हुई है, कुछ दिक्कत नहीं हुई है शायद। चलो गाइस तुम्हें मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे करनी होगी अभी के लिए, और आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, और थोड़ा बहुत करके ही मिलता हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो चुकी है मेरे में तो, 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है भाई, इसलिए मैं काट पीट के 30 मिनट की करने की तो कोशिश करूंगा, बट तुम बताना कि कितने की हुई थी, कमेंट में बता देना कितने मिनट की हुई है ये वीडियो। ओके तो घर की लुक कुछ ऐसी आ रही है, कितनी प्यारी लुक आ रही है तुम देख सकते हो, एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, चलो ये देखो साइड से लुक देखो भाई, कितनी डेंजर लुक आ रही है, तुम देख रहे हो भाई, इतनी खतरनाक लुक तो कहीं नहीं आ सकती जितनी खतरनाक लुक यहाँ पे आ रही है, बस चेक दिस आउट भाई, चेक दिस आउट गाइज। और ये 2 लामा बॉडी गार्ड है गौरव के, इतनी स्नाइपर शूटिंग करेंगे भाई, किसी ने सोची नहीं होगी, नहीं एडम भाई है ना भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं। चलो गाइस, हाँ भाई एडम ने भी कही हाँ, चलो अबे एक मिनट, नए अपडेट में गए, ये देख रहे हो क्या कर रहे है, ये देखो इसके पास जाऊंगा, अब नहीं कर रहा, कोई बात नहीं गाइस, तुम इस वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत क्लोज है 1.27K के। और एक बात अभी भी अच्छी है कि कोई भूकंप अभी तक आया नहीं है, कोई दिक्कत अभी तक हुई नहीं है, और जो कि मुझे अच्छा लगा काफी, बट इस मिस्ट्री पे से पर्दा उठेगा भाई, क्या दिक्कत चल रही है ना एम्पायर में, उठेगा भाई, बस तुम 2 मिनट दो मेरे को, अभी मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और करता हूँ और मिलता हूँ तुम लोगों से, सो लेट्स गो। सो फाइनली गाइस हमने अपना घर को पूरा रेडी कर दिया है, जैसा कि तुम अभी देखने वाले ही हो अपने इस घर को, और अभी तक गज्जू भाई का और गौरव का पता नहीं लगा है, तो कहीं गेड़िया मार रहे होंगे, वो आते ही होंगे बस। बाय द वे अभी भाई पूरी तरह कंप्लीट कर दिया हमने घर, और एकदम ओपी लग रहा भाई गौरव का ये घर, उसको मस्त सरप्राइज देंगे, तो 1 2 3 लेट्स गो गाइस। तुम जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कितनी खतरनाक लुक आ रही है अपने इस घर की इन शेडर्स में, और चलो अभी आ जा एडम भाई, तू भी आ जा अंदर। एडम ने एक बहुत ही बड़ी चीज कुर्बान करी है, बताऊंगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा ठीक है। बाय द वे थोड़ा सा लाइटनिंग का काम रह रहा था गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लाइटनिंग का काम मैं कर दूं इधर, और इधर एक अपना फेंस ये लगाना बनता है लैंटेन, और एक काम करते हैं एक लैंटेन अपना यहाँ पे लगा देते हैं, और लाइटनिंग का काम तुम्हारा भाई मस्त करता है एकदम ठीक है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा लाइटनिंग के बारे में, एक लैंटेन यहाँ लगाएंगे हम। हाँ भैया कहाँ पे है तू, एडम ब्रो अभी इसने बहुत बड़ी चीज कुर्बान की है, दिखाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो तुम ठीक है, अभी दिखाऊंगा बस तुम्हें, मेरे को बस थोड़ी सी देर दो और वो चीज़ मैं तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। और अपना इसको तोड़ते हैं, क्योंकि मेरे को इस तरफ में लगानी थी लैंटेन, और तुम्हारा भाई तगड़ी लाइटनिंग का काम ले रहे हो, बस देखो तुम लोग ठीक है,
और एक यहाँ पे हो जाएगी, तो अपना मैटर सोल्व है। आ जा भैया, आ जा जल्दी, आ जा ऊपर आ जा। तो गाइज एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाई थी तो एक इस कॉर्नर पे भी बनती है, ठीक है? आ जा भाई फटाफट, आ जा यहाँ पे। हेलो, मैं क्या कर रहा है भाई? ये यहाँ से तो देखो क्या। अच्छा, दो दो लग गए इसलिए। अरे कोई बात नहीं भाई, आ जा भाई, अभी के लिए ठीक है भाई। वैसे भी थक चुके हैं गाइज हम, लाइटनिंग का काम अभी इतना ठीक ठीक है। और ये देखो बस कोई क्रीपर वगैरह स्पॉन ना हो रखा हो। एक लाइटनिंग यहाँ पे नहीं भाई, नहीं इसको तोड़ो भाई, तोड़ भाई से। पिकैक्स है तेरे पास? पिकैक्स से तोड़ इसको, फटाफट तोड़ भाई। इतने तुम्हारा भाई एक काम करता है, यहाँ पे लैंटेन लगा देता हूँ टीवी के। तो चलो गाइस, जैसे कि तुम देख रहे हो कि अभी लैंटेन लगा दिए तुम्हारे भाई ने, जैसे कि यहाँ पे तुम देख ही रहे होगे। और एक लैंटेन लगाऊंगा यहाँ पर ताकि रोशनी रहे यहाँ पे। और एक मैं सोच रहा हूँ एक यहाँ पे भी बनता है लैंटेन, ठीक है भाई? लाइटनिंग का काम है ना, जो कि अच्छे से होना चाहिए बिल्कुल। और एक अगर मैंने यहाँ लगाया तो एक यहाँ पे ठीक लग रहा भाई, बुरा नहीं लग रहा है। और ये देखो क्या मस्त सूरज की किरण डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है, और यहाँ पे मस्त बैठ के अपना वो भी इंजॉय कर सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, टीवी प्रोग्राम्स भी इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे भी लाइट लगाने की नीड है। और ये देखो भाई, तुम जस्ट चेक दिस आउट, अपने अपने एडम सर ने डायमंड का आर्मर कुर्बान कर दिया गौरव के लिए, देख रहे हो? बट कोई हैरान होने की बात नहीं है, अब हमारे लिए आम बातचीत है। ये देखो नहीं भाई, गौरव तो सोया नहीं, पहली रात तू सो गया भाई, अच्छी बात थोड़ी है भाई, ये अच्छी बात नहीं है भाई। एक टोर्च यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं लगेगी, कोई बात नहीं भाई, इसको तो इसको मैं ही तोड़ देता हूँ, जस्ट लाइक दैट। और एक काम करते हैं, अपना एक लैंटेन है ना यहाँ पे लगा दूँ क्या मैं भाई? लैंटेन वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो चुका है अपना एकदम, ये एकदम मस्त वाइब आ रही है इस घर में, देख रहे हो? वहां पे बेड की तरफ थोड़ी डार्कनेस है, मतलब डार्कनेस नहीं है, आराम से सो सकते हो। और मैंने गलती से रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, मतलब गौरव का घर है, अपना तो नहीं है खैर। और एक काम करते हैं, लैंटेन रख देते हैं इनके ऊपर, नहीं रख सकते क्या? कोई बात नहीं। चलो अब गाइज, इतना काम तुम्हारे भाई ने कर दिया है। और गज्जू भाई पता नहीं कहाँ गेड़िया मार रहे हैं गज्जू भाई। अरे भाई गज्जू भाई, एम्पायर के आसपास हो क्या भाई? हेलो, तुमको ढूंढ रहे सुबह से। हेलो गज्जू भाई, हेलो। हाँ गज्जू भाई, कहाँ पे हो तुम? सुबह से ढूंढ रहे भाई, सुबह से कहाँ गेड़िया मार रहे थे तुम भाई? मेरे साथ बहुत गलत सीन हो गया है भाई। क्या हो गया? किसने पेल वेल दिया क्या एम्पायर में? अरे मेरे पीछे पड़ा हुआ है यार एक बंदा। कौन है? लाओ अभी अभी बता दूंगा इसे तगड़ा। ओ एडम फटाफट आ भाई, आर्मर डायमंड का आर्मर देख लेंगे, पर जो अभी पास पास है उससे ही पेल देंगे। कहाँ पे हो गज्जू भाई आप, फटाफट बताओ। डायमंड पर से कुछ नहीं होगा भाई, वो बंदा बहुत पागल है भाई। कौन सा बंदा? थोड़ी शक्ल वकल बताओ, नाम क्या है उसका? नाम तो मैं नहीं बताया, वो पता नहीं कि इनविजिबल था, लेकिन उसने मुझे मारा, मैं हाफ हार्ट पे वहां से एस्केप करूं। तो आप अभी हो कहाँ पे? आप अभी हो कहाँ पे? मैं भाई सुबह से ढूंढ रहा हूँ गज्जू भाई, गज्जू भाई कहाँ गेड़िया मार रहे थे ब्रो आप? अरे मैं मेरे घर के पास हूँ। तो ठीक है, मैं घर के पास आ रहा हूँ आपके। तो क्या क्या करना चाहिए फिर, कहाँ पे है बंदा? कुछ क्ल्यू वगैरह है आपके पास उसको ढूंढने का? नहीं भाई, मैं वहाँ से इतनी रेड होके भागा हूँ ना भाई, मैं बता नहीं सकता। अच्छा तो कुछ तो क्ल्यू होगा, कुछ तो मिला होगा आपको कि हाँ हम उस बंदे के पास जा सकते हैं। मैं पिछली वीडियो में ना गया था, और मेरे को ना एक ह्यूरोग्राइन टाइप टावर मिला था। अच्छा, वहाँ पे एक क्लू मिला, प्रिजन इज द वे। उसके बाद वीडियो एंड करते ही जैसे मैं डिस्कनेक्ट करने जा रहा था, मेरी स्क्रीन तेज तरीके से शेक हुई, मेरी इन्वेंटरी का सारा सामान इधर उधर होने लगा। अच्छा, एक बंदे ने बहुत तेज हिट करा, मैं अपना सामान लेके वहां से भागा हूँ इतनी स्पीड में, मैं बता नहीं सकता सही में। हाँ भाई, तो प्रिजन इज द वे आपके पास है अभी वो, या खो दिया आपने? भाई खो दिया मैंने। बे यार, पर कोई बात नहीं एडम, तेरे को पता ना जिस प्रिजन में तू कैद हुआ था वो ही रास्ता है, मतलब उसमें ही हमको जाना होगा। अबे चल दे यार, माँ कोई नहीं, खा रहा मैं हूं ना तेरे साथ, कोई नहीं, आ जाओ भाई। तो क्या बोलते हो, चले उस प्रिजन में? अरे ब्रो आप मेरे साथ आओ, मैं हूँ यार, तुम्हें कौन हाथ लगा देगा? गाइस आओ भाई, तुम मेरे साथ आओ। गाइस कुछ तो दिक्कत हो चुकी है, आपको गौरव का आता पता है कुछ? गौरव आपके साथ था ना? नहीं भाई, कुछ आता पता है ही नहीं भाई। गौरव आपके साथ नहीं है मतलब?
नहीं भाई भाई फटाफट आ जा, मेरे को टेंशन हो रही है ब्रो, गौरव यार किडनैप ना हो गया हो भाई वो, फटाफट आओ यार, तुम क्या कर रहे हो यार, फटाफट आओ भाई, मैं सोच रहा हूँ गौरव आपके साथ है गज्जू भाई यार, सॉरी यार एडम, इसको बाद में ठीक कर लें, वैसे भी हम तेज में, आई थिंक उसका यार रास्ता यहीं पे था, किसी के पास शवल है तो दो यार फटाफट से दो भाई, किसी के पास शवल है तो उसका रास्ता यहीं कहीं पे है, यहीं पे हमको खोदना पड़ेगा, फटाफट से शवल दो भाई किसी के पास है तो। हेलो ब्रो, है किसी के पास शवल? नहीं भाई नहीं है मेरे पास भाई, शवल तो दे दो यार। एडम यार कहाँ पे है तू? तो यार यहाँ पे आओ अपने ट्रेडिंग हॉल के पास, फटाफट आओ भाई, यहाँ पे ही रास्ता हो सकता है भाई, यहाँ पे कुछ हो सकता है। पिकैक्स दो मेरे को, एक पिकैक्स दो फटाफट से, हाँ खोदो इसको, खोदो मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो फटाफट दो, हाँ शवल शवल भी चाहिए मेरे को भाई। यार दिक्कत वाली बात होगी ये तो, और गौरव के लिए तो घर बनाया था, अगर उसको कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, आई होप उसको कुछ ना हुआ हो, वो सेफ हो भाई, फटाफट आ जाओ, यहीं कहीं पे रास्ता हो सकता है अपने उस प्रिजन का। यार यहीं पे तो था जो हमने ब्लॉक किया था वो, आई थिंक थोड़ा सा डाउन पे है वो, मिला का किसी को रास्ता? एक बार फिर से सोच लो, मैं बोल रहा मारेगा वो पकड़ के। अरे उसकी शकल वकल कुछ तो देखी होगी आप लोगों ने, मैंने बस इतना देखा था कि वो रेड कलर का कुछ तो शो हो रहा था। रेड कलर का? एडम तेरे को याद है कुछ रेड कलर के बंदे ने पकड़ा था क्या तेरे को? भाई दिक्कत वाली बात होगी गाइस, और ये प्रिजन कहाँ पे मर गया? प्रिजन का रास्ता यहीं से तो जाता था। एडम आ गया, एडम को ऊपर लो। और गाइस अब तो दिक्कत वाली बात होगी, उस प्रिजन का रास्ता मेरे को नहीं मिल रहा है। अबे मारेगा क्या एडम ब्रो यार तू? मेरे को एक बात बता, यहाँ पे यार दिक्कत होगी, तुम आओ यार फटाफट आओ। और ये कौन लाल बंदा गज्जू भाई, शकल तो देखी होगी, एडम ऊपर आ दो फटाफट आ भाई। ये एक तो प्रिजन का रास्ता नहीं मिल रहा भाई मेरे को, यहीं पे तो था भाई, हमने वो ब्लॉक कर दिया था और यहीं पे था ब्रो। उस टाइम पे जो रेल बनी है ना भाई, मेरी बहुत गलत ही सिस्टम हो गया भाई। ऊपर आओ तुम, ऊपर आओ फटाफट से, ऊपर आओ जहाँ तक मेरे को याद है। थोड़ा सा अपना भाई इसको तोड़ देना, रुको मैं ही तोड़ता हूँ। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पे है भाई? ये रहा, फटाफट से ऊपर आ जाओ भाई। और भाई गाइस चलना पड़ेगा हमको अब उस प्रिजन में, क्योंकि रास्ता ही वही है भैया। हाँ ब्रो मिल गया रास्ता प्रिजन का, मिल गया सही में, लेट्स गो गाइस, रास्ता मिल गया प्रिजन का। कहाँ पे हो, कहाँ पे हो वो? लेट्स गो भाई। यार एडम तू बढ़िया बंदा भाई, तूने ढूंढ लिया रास्ता प्रिजन का, चलते हैं भाई यहाँ पे फटाफट से चलते हैं ब्रो। एक मिनट रुको, इसको तोड़ो भाई, इसको तोड़ो, लेट्स गो गाइस, चलते हैं फटाफट से नीचे। भाई गज्जू भाई आप तो पहली बार जा रहे हो ना इस प्रिजन में? हाँ भाई। कोई बात नहीं, एक बार यार इसको तोड़ लेना, चलो आओ भाई, देखना है अभी कि क्या सीन है क्या नहीं है वहाँ पे। चलो भाई फटाफट चलो, और गौरव की टेंशन हो रही है, बस उसको कुछ हुआ ना हो भाई। सच बताओ गौरव आपके साथ नहीं था क्या? नहीं भाई, राम 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 राम। आ जाओ भाई फटाफट आ जाओ, यहाँ पे ही है प्रिजन अपना, आ रहे हो ना तुम? एडम फटाफट आ जा, यहीं से नीचे जाना है, और यहाँ पे कहीं पे तो अपना प्रिजन यहीं पे था ना ब्रो। आ जाओ भाई आ जाओ, अपना प्रिजन आई थिंक वो रहा सामने, आ रहे हो ना तुम लोग? फटाफट आ जाओ भाई, ये रहा वो प्रिजन, यहीं पे था, यहीं कहीं पे था गाइस। और अब तुम देख के डर मत जाना उसको, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। ये देखो भाई एडम, तेरे खून के धब्बे अभी तक पड़े हैं यहाँ पे, देख रहे हो भाई? आ जाओ फटाफट आ जाओ, अरे आ जाओ यार, कुछ नहीं हो रहा, मैं हूं ना, कौन मारेगा तुमको यार? उस बंदे की शकल वकल नहीं देखेगा गज्जू भाई, रेड कलर का मुझसे ज्यादा भयानक उसकी शकल। डरना मत बस आ जाओ यार, डर तो बहुत लग रहा है मेरे को भी वहां पे जाने में, क्योंकि दिक्कत वाली बात तो है भाई, अगर कोई हुआ तो रेल बांध देगा वो हमारी, समझ रहे हो तुम? चलो गाइस अभी ये दोनों तो चल रहे हैं, अभी मैं भी चलता हूँ फटाफट से। भाई धीरे से चलना, क्योंकि तुम कुछ प्लेस नहीं कर सकते यहाँ पे, और अगर गलती से भी जल गए तो तुम्हें याद होगा गाइस। एक मिनट एडम, ये क्या है भाई? गज्जू भाई कहाँ रह गए? एडम के अबे यहाँ पे तो लावा हुआ करता था ना, ये क्या हो गया? क्राइंग ऑब्सीडियन वगैरह, और ये क्या है? वार्निंग, क्या बोलते हो गज्जू भाई? खोल दूंगा चेस्ट को, पहले मेरे साथ दोहराओ। क्या दोहराऊं? हे भगवान, हे भगवान,
हमसे जो भी गलती हुई है। अरे मरना थोड़ी है भाई, मेरे को कैसी बात कर रहे हो यार तुम, यहाँ कुरालू, यहाँ कुरालू चुरा मत बेटे, यहाँ पे आत्मा भूतमा बंद होगी इसमें भाई। एडम बता रहा हूँ मैं भाई, गज्जू भाई यार कैसी बात कर रहे हो तुम, मरना थोड़ी अभी हमको भाई, मैं खोल रहा हूँ देखी जाएगी जो होगा, तुम दोनों पीछे हो जाओ, ट्रैप्ड चेस्ट भी हो सकती है वो, लग तो नहीं रही है वो क्योंकि रेड रेड सी होती है ना आगे से ट्रैप्ड चेस्ट भाई। अबे तू पीछे हो जा बेटे, पीछे हो थोड़ी और पीछे हो तुम, प्लीज गॉड प्लीज इसमें कोई ऐसा सामान ना हो भाई। एक मिनट भाई, द वे टू फाइंड गौरव,